गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एससी पार्ट वन बॉटनी के पेपर थर्ड में सेल ऑर्गेनेल्स के क्रम में आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स जो है वो मात्र पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं हैं। ये आकार में स्फेरिकल डिस्कॉइड होते हैं और इनकी संख्या जो है वो जाति एवं वातावरण के अनुसार जो है इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका में निर्धारित होती है। प्रत्येक लवक एक झिल्ली जैसे आवरण से घिरा रहता है। लवक के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है जिसमें अल्प मात्रा में केंद्रक की तरह का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ये जीवित संरचनाएं हैं और विभाजन कर संख्या में वृद्धि करती है। और प्लास्टिड की जो उत्पत्ति है वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से होती है जिनको हम प्रोप्लास्टिड कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे इस लेक्चर में देखेंगे। और लवकों का वर्गीकरण जो है वो इनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर हम दो समूहों में करते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक क्रोमोप्लास्ट। वन इज क्रोमोप्लास्ट जिसमें हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट एंड नॉन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। तो पहले हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट में इनमें क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एवं रोडोप्लास्ट को इंक्लूड किया गया है। क्लोरोप्लास्ट ये उच्च पादपों तथा हरी जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें पाए जाने वाले ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी 2:2 क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी 3:1 के अनुपात में पाया जाता है और इनके आकार में विभिन्नताएं पाई जाती है। फियोप्लास्ट जो है ये लवक रंग में पीले या भूरे होते हैं और फियोफाइटा और डायटम्स तथा डायनोफ्लैजेलेट्स में ये पाए जाते हैं और इनका भूरा रंग जो है वो ब्राउन कैरोटीनॉइड्स के द्वारा ढके होने की वजह से होता है। भूरे शैवाल में जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें जो फ्यूकोजेंथिन जो लवक है वो प्रकाश को अवशोषित कर इसकी ऊर्जा को क्लोरोफिल में स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से जो फियोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर पाता है। और तीसरा है रोडोप्लास्ट। ये शैवाल ये रेड एल्गी में पाए जाते हैं और इनकी और ये रेड कलर के ये प्लास्टिड्स हैं। इनका जो रेड कलर है लाल रंग है वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण है जो कि एक फाइकोबिलिन प्रोटीन है। इस प्रकार से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्रोमोप्लास्ट में हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्लोरोप्लास्ट जो कि ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, फियोप्लास्ट जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, रोडोप्लास्ट जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है। ये सब फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन फोटोसिंथेटिक क्रोमोप्लास्ट या अप्रकाश संश्लेषी वर्णक जो कि प्रकाश संश्लेषण में तो नहीं आते हैं लेकिन ये प्लास्टिड्स हैं। इनमें पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं और ये फर्दर डिवाइड किए हैं एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट में। तो एमाइलोप्लास्ट जो है इनमें स्टार्च का संश्लेषण तथा इनका स्टोरेज होता है और ये अपने प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से इनमें छोटे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से स्टार्च निर्माण का आवश्यक उपकरण पाया जाता है। और एमाइलोप्लास्ट जो है आमतौर पर जो संग्रहण करने वाले जो पार्ट्स हैं प्लांट के जैसे कि स्टोरेज ट्यूबर्स, कॉटिलीडंस, एंडोस्पर्म्स इनमें ये पाया जाता है एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट इज इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में ऑयल का संश्लेषण होता है अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। हरित लवक पर्ण हरित के नष्ट हो जाने के बाद तेल का भंडारण करना शुरू कर देते हैं। ऑर्किडेसी तथा लिलियेसी कुल के पौधों में जो इपिडर्मल सेल है उनमें डिसऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिड्स जो हैं वो फ्यूज होकर ऑयल ड्रॉपलेट्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम एल्यूरोप्लास्ट को समझ सकते हैं। एंड वन क्लास वन इज एल्यूरोप्लास्ट। इसमें इनको प्रोटीन प्लास्ट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन की बहुलता पाई जाती है।
हेलीबोरस पौधों की जो एपिडर्मल सेल्स हैं तथा जो रेसिनस और ब्राजील नट के जो बीज हैं उनमें प्रोटीन के क्रिस्टल्स तथा कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उनमें एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च का संश्लेषण और निर्माण करते हैं, हीलियोप्लास्ट है वो तेल का स्टोरेज करते हैं, और जो एल्योप्लास्ट है वो प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, क्योंकि हमारा जो मेन जो हमारा जो एम्फेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट पे है। तो जीव जगत में जीवों के लिए ऊर्जा का उपयोगी स्वरूप या खाद्य पदार्थों का होना पूर्ण रूप से पौधों में पाए जाने वाले तत्वों या क्लोरोप्लास्ट और इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर ही निर्भर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के बिना पौधों का अस्तित्व संभव नहीं होगा और जंतुओं के लिए पौधों का होना अपरिहार्य है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो आवश्यकता है इस अर्थ पर और जीव जगत के लिए, उसको हम इन सेंटेंसेस से समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सेल में क्लोरोप्लास्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुधा केंद्रक के चारों ओर या सेल वॉल के समीप पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित भी रहते हैं। हमने पहले बताया था कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनका विन्यास विशिष्ट होता है। कोशिका का जो कार्य है उसके हिसाब से भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट कम्स टू शेप, साइज एंड नंबर। पौधों की विभिन्न जातियों में क्लोरोप्लास्ट के आकार, परिमाण तथा संख्या में विविधता पाई जाती है। उच्च श्रेणी के पादपों में ये स्फीरोइड, ओवोइड या डिस्कोइड हो सकते हैं। यहाँ हम शेप की बात कर रहे हैं। और उच्च पादपों में बहुधा हरित लवक जो है वो थैलाकार होते हैं, सैक लाइक होते हैं, जिनका केंद्र रंगहीन होता है। शैवालों में हरित लवक जो है वो सॉसर शेप्ड, जालीकावत फीते के आकार का, या रिबन शेप्ड, या स्पाइरल या ताराकार हो सकता है। दिस इज अबाउट द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो साइज है, उसका जो परिमाण है, वो अलग अलग जाति में भिन्न होता है, परंतु एक प्रजाति में इसकी संख्या उत्तक की कोशिका के समान होती है। विभिन्न पौधों में इकाई कोशिका में हरित लवक की संख्या लगभग स्थिर होती है। जो हायर प्लांट्स हैं उनकी प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य में इनका वितरण अधिकांश समांग होता है, होमोजीनियस होता है। दिस अबाउट द साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ वी कम टू द केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का। हरित लवक मुख्यतः प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कैरेटिनॉइड जैसे रासायनिक संगठनों के बने होते हैं। इसके अलावा इनमें आरएनए, डीएनए, स्टार्च ग्रेन्यूल्स और ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती हैं। जो लैमेली हैं तथा झिल्ली के कुछ भागों का निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो स्ट्रोमा में भी मिलती है तथा स्टार्च संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करने वाले कई एंजाइमों में भी पाई जाती है। हरित लवक में पाए जाने वाले लिपिड मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड, फैट्स, स्टिरोल और वैक्सीज हैं, मोम है। इनकी जो लैमेली तथा लवक की इनसे लैमेली तथा लवक की भित्ति का निर्माण होता है। फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉल्स, फैट्स और वैक्सीज मिलके लैमेली और क्लोरोप्लास्ट की भित्ति का निर्माण करते हैं। हरित लवकों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। ये स्टार्च एवं शर्करा के जो स्टार्च एवं शुगर फॉस्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं। हरित लवकों का जो मुख्य अवयव हरा वर्णक या क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का अणु एसिमेट्रिक होता है, असममित होता है, जिसमें एक मैग्नीशियम अणु एक जल स्नेही शीर्ष या हाइड्रोफिलिक हेड तथा चार पायरोल न्यूक्लिया से घिरा रहता है। कैरोटीन तथा जंतुफिल दोनों ही विटामिन ए से संबंधित कैरेटिनॉइड हैं। कैरोटीन में असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोफोबिक एक छोटी श्रृंखला होती है, जबकि ज़ैंथोफिल में बहुत से हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। हरित लवकों में कुछ साइटोक्रोम, विटामिन के, विटामिन ई, फाइटोफेरेटिन तथा धातुओं के जैसे कुछ अणु जैसे लोहा, तांबा, मैंगनीज, जिंक आदि पाए जाते हैं, और इसके अलावा इनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया क्लोरोफिल का केमिकल, क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कॉम्पोजिशन। नाउ वी कम टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद हम ये कह सकते हैं ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है। ये भी एक दो दो इमेजेस हमने यहाँ पे रखी हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हम देख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो चिकनी और दोहरी तथा समतल समतल झिल्ली से कवर्ड एक कोशिकांग है। ये इसको खोल के हमने देखा है, तो ये डबल वॉल्ड जो मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड एक स्ट्रक्चर है। हरित लवक की सीमा को निर्धारण करने वाली बाहरी तथा भीतरी दोनों झिल्ली जो है वो 40 से 60 मोटी एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। जो दोनों लेयर्स हैं इनकी थिकनेस 40 to 60 एंगस्ट्रॉम है, और ये त्रिस्तरीय होती है। ये इकाई कला द्वारा निर्मित होती है, और इन दोनों जो ये दोनों मेम्ब्रेन है इनके बीच में 25 to 75 एंगस्ट्रॉम का वो होता है, स्पेस होता है, इंटरलेमिलर स्पेस होता है इनके बीच में, और इस स्पेस को हम पेरिप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं पेरिप्लास्टिड स्पेस। दिस इज पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। हरित लवक के जो इनर कंटेंट्स हैं वो हेटरोजीनियस होते हैं, जिसमें दानेदार पदार्थ तथा प्रोटीन का बना स्ट्रोमा होता है। दानेदार पदार्थ और प्रोटीन का बना हुआ सोमा होता है। दिस इज डॉटेड जो पूरा है वो स्ट्रोमा है। जो ग्राउंड ग्राउंड में जो हमें डॉटेड जो पूरा मटेरियल दिख रहा है दैट इज स्ट्रोमा, जिसमें बहुत सी प्लेट की तरह संरचनाएं या पटलिकाएं अवस्थित होती हैं, जिनको हम ग्रेना कहते हैं। दीज आर ग्रेना, दीज आर ग्रेना। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मैट्रिक्स की बात हम करें तो हरित लवक में चिकनी दोहरी कला से घिरे अवकाश या गुहिका में मैट्रिक्स होती है, से हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में लगभग 175 एंगस्ट्रॉम व्यास के माइन्यूट पार्टिकल्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने स्टार्च ग्रेन्स तथा ऑस्मियम स्टेन्ड जो है ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। शैवालों के क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट तथा फ्यूरोप्लास्ट वर्ग में नॉन लेमिनेटेड विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम पाइरिनोइड कहते हैं। ग्रेना ग्रेना में पीठिका में बहुत सी दोहरी कला से आबद्ध पट्टिकाएं या लेमिनी प्लास्टिड के एक सेल से दूसरे तक फैली रहती है। दीज ऑल आर ग्रेना। इन पट्टिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाता है। कई लवकों में पटलिकाएं बहुत सी एक जगह इकट्ठी होकर 40 से 50 मोटी प्लेट जैसी डिस्क लाइक संरचना बनाती है, इसे हम ग्रेना कहते हैं। दिस इज ग्रेना। बहुत सारी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है एक ऊपर एक स्टैकिंग होगी और इस तरह से हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना आपस में इंटरग्रेना लेमिनी से जुड़े रहते हैं। दिस इज इंटरग्रेना। ये जो ग्रेना आपस में जुड़े रहते हैं ना, ये दिस इज इंटरग्रेना।
वी कैन अंडरस्टैंड दिस. इसके अलावा इसमें डीएनए भी पाया जाता है जो हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में. सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ वी कम टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड्स. हमने पहले भी बात की है लवक का उद्भव तथा विकास. लवक अपनी प्री एग्जिस्टिंग बॉडीज से बनते हैं जो कि वास्तव में मैच्योर प्लास्टिड न होकर कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड एलिमेंट्स होते हैं. मैच्योर प्लास्टिड ना होकर कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम और डबल वॉल्ड कवर्ड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स. इनको हम प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं और विकास के दौरान ये प्रोप्लास्टिड्स जो हैं आकार में वृद्धि करते हैं. तथा ये एकत्रित होकर और संगठित होकर वयस्क लवक की पटलिकाओं का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से एक अपरिपक्व इसमें हम लोग इसको एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा सा कि किस प्रकार से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड्स होता है. तो हमने कहा कि लवक अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग बॉडीज से बनते हैं जो कि वास्तव में मैच्योर प्लास्टिड ना होकर कोशिका की कुछ अविभेदित या अनडिफ्रेंशिएटेड एलिमेंट्स होते हैं और इन दोरी झिल्ली से आबद्ध अविभेदित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं. और विकास के दौरान ये प्रोप्लास्टिड्स आकार में वृद्धि करते हैं तथा इनका जो इनर मेम्ब्रेन सिस्टम है, इनका जो इनर मेम्ब्रेन सिस्टम है ये कई स्थानों पर इनवेजिनेट होकर छोटी छोटी, दिस इज इनवेजिनेशन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनवेजिनेशन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन जो कि इनवेजिनेट होकर छोटी छोटी वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है. और ये फिर ये जो वेसिकल्स हैं ये फिर इससे मेम्ब्रेन से अलग होकर स्वतंत्र इकाइयाँ बन जाती हैं और फिर जो एक साथ एकत्रित होकर ये लैमेली का निर्माण कर देती है. ठीक है, पहले इन्वेजिनेशंस हुए, ये इन्वेजिनेशंस फिर इस मेम्ब्रेन से अलग हो गए और फिर इन्होंने आपस में एकत्रित होकर मैच्योर होकर लैमेली का निर्माण कर लिया, है ना. इस तरह से जो इमेच्योर लैमिलर प्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट जो है ये फिर लाइट की प्रेजेंस में फिर ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग बॉडीज से क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है. और अब हम आते हैं लास्ट में फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हम सभी ही जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं. हम दो चीजें पढ़ेंगे इसमें, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑटोनोमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की हरित लवकों की स्वायत्तता. तो हम पहले फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं. तो हम सभी जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं और यही जीव ऊर्जा जो है जीवों की जैविक ऊर्जा का स्रोत है. ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्रैब साइकिल तथा वसा अम्लों के संश्लेषण के विकल्प इंजाइम्स भी होते हैं. क्रोमोप्लास्ट में विभिन्न पिगमेंट्स होते हैं जो कि फलों फूलों और खाद्य संग्रहण के अंगों को रंग प्रदान करते हैं. और इसके अलावा एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट जैसे ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संग्रहण करते हैं तथा मांड तेल और प्रोटीन का संचय भी करते हैं. तो ये सारे के सारे फंक्शन हो गए क्लोरोप्लास्ट के. नाउ वी कम टू द ऑटोनोमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवकों की स्वायत्तता. कोशिका के अंदर हरित लवक कुछ हद तक स्वायत्त नहीं, स्वतंत्र रूपांतरण की तरह ये विभिन्न ये विभाजन में सक्षम है. इनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है.
तथा तो कुछ आनुवंशिक संकेतों के आधार पर ही आंशिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण भी कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं ऑटोनॉमी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, किस किस तरह से ये ऑटोनॉमस है ये। तो हम ये क्लोरोप्लास्ट डिवीजन हरित लवक विखंडन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और क्रोमोसोम विभाजन भी इनका की तरह इनका भी विभाजन निश्चित क्रम में ही होता है। तो इस प्रकार से ये ऑटोनॉमी है इनमें। देन कम्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लोरोप्लास्ट में अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पाई जाती है इनमें। जीन का पृथक्करण जो है वो मेंडेलियन की अकॉर्डिंग टू दी मेंडेलियन रूल्स नहीं होता है। अंधेरे में ये कल्चर्ड हरे जो यूग्लिना में छोटे रंगीन क्लोरोप्लास्टिड पाए जाते हैं जिनके केंद्र को पराबैंगनी किरणों की सूक्ष्म किरणों से विकिरित रेडिएट करने के बावजूद इनके कोशिका द्रव में मौजूद क्लोरोप्लास्टिड का हरित लवकों में विकास हो जाता है। नेक्स्ट कम्स दी डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से भी ये ऑटोनोमस है क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है। शैवाल तथा उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों के हरित लवकों में डीएनए के अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स दी राइबोसोम्स इन क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम कोशिका द्रवीय राइबोसोम की अपेक्षा छोटे होते हैं। ये जीवाणु राइबोसोम की तरह ही 70S प्रकार के होते हैं और ये 23S तथा 16S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट दी प्रोटीन सिंथेसिस। हरित लवकों में पाए जाने वाले जो राइबोसोम हैं वो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण तंत्र से जुड़े होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में एमआरएनए की सहायता से हरित लवक अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, डीएनए एंड आरएनए इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से इतने सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर ऑटोनॉमस सेल्फ ऑर्गेनेल्स। एंड देन दी सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही हरित लवकों में भी सेमी ऑटोनॉमी या सिम्बायोसिस के अनेक लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि हरित लवकों की उत्पत्ति स्वयं शोषित सूक्ष्म जीवों तथा हीटरोट्रॉफिक होस्ट सेल के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ही शुरू हुई होगी, ऐसा माना जाता है। सो दिस इज दी सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर टाइप्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑटोनॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। थैंक यू।